Ashtende, tanga de tsobe bani, tatenda de bobal lo jorso, zo taran shoge delini namdula pirne, tanga de bobal lo nyingung jorso, da bobal ni de sanchi mo lo do de, ani sanchi lo choden tsa chenpo ji yore, sinadense koswa, anta nga choden jenga do de ye. Bopal namdaan da sanchi chodin yusa de chongge chunjish doa onda da tsuzo chekske langarisha ani de o ya o dilini ani kisi o sanchi la de bopal la pe ane nima chigi langar rili la nima chigi langar la do namrul da tsuzo nyis mashu kohume do ani de pe ane odin dirisha मैं चला था अच्छा अच्छा मैं चला था सर 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 मजे कुछ तो टैक्सी ड्राइवर आते हैं टैक्सी देने लम्सल ले वाला टैक्सी खोपतो खोपतो रहेशा टैक्सी ओ कोलो पंचर छा अनि कोलो स्पेयर नगलों ठेबा जोरा दिए बेट ठोला लो दे रहा उलुने उम्मदी दे रही है अनि शुगोजे चेक चुदाने चिदांगे न कं देखा लो रूम मोटा की दो मीटर दे जोड़ा लोडो चांगमा देर्श लगा मचिंगे अने लोडो तो तब दे गोद तो प्रमा गोदो पिदो निकले तो आ दी सब सब चीज़ मा चेया वो नंगो तो ते दे निंगों ये तो ओस्त गोंडा ने दिन दे नी शना सब दा दे परा लुंडों लो रे तो आ चोंसे बिटो चेन Bhopal Airport prepaid taxi. They're sending a taxi like this. Nothing of this is working, indicator and all. See, look at this. It's just a... And we are stranded here in the middle of nowhere. That's a good day. Namdang la phone tang ne kunzo anzo la de motor sawa ji tang su an da ji motor di da su to ya gora me do de namdang ne prepaid motor la na ya on di ya go do ko ji de tang do to an se de chue den la jor so ta de ni ya do de ani de la chue den la ya zu ya la ticket logo is saying as a risha ani chigen le yo ina ko mung ani jola de ya to be do ni ki cho mu do ke ni tang mu do ina pe ge chue so do nang da mu do अनि सांजी छेदें दे तोमा तंबो क्या वो अशोका की तुरब सुंबत तबाल क्या वो रेस ने ते देश के दो अनि ओ तुरब सुंबत ने तुरब चुनी बतो अनि ओ अशोका की यह जेला क्या वो दे दे ओ देखा यह ना बेच रहा हूँ मैं बुझा है सर तो तंबो ते जिन दे सजा दे गोबा दे छेदें दे क्या चंबो शुद्ध अनि अशोका गाइड है हमको गाइड चाहिए कितने कितने लोग आप लोग महिंद्रा तीन है सर ये गवर्नमेंट है ये लोग छोड़ देना सो गुरुकुल ला आज आना वापस हम हिमाचल शुगर की नीपा आप दलाल लामा जी मालूम है ना चीन आज सिर लगा लो दे नाम चो शो था वाले दिल्ली से दो नीतू में है ना विजिट हो जाएगा दलाल लामा जी का नेहरू जी भी आ चुके हैं शरीफ द मुंगी पुरवा प्रोफेशनल अनि दिने दे छ दे अंग चुप तुम
chingyuch tu di nima inji inji kabla ngonyan dini sharibu dhubi bubi rinse nyene dipa England kiwares shoko ani gyalak rangze rani niruji pege la chief guest o England kiwadu sushu niruji tsupak pege la pege England la kunzu kejishi niruji tsuk nam pebares dide sewdo ani chinda chukchi dapshuwa nam pebares di chin loda ting chinda chukchi dapshuwa ge museum ni di jaya yo sarwa वो सार ने भेजा था अशोक उज्जैन के गवर्नर थे राज्यपाल जब अशोक उज्जैन के गवर्नर तो उज्जैन मथुरा सिल्क रूट और विदिशा जुड़ा था अशोक का ट्रेड रूट मतलब बिजनेस जब शादी हुई अशोक की उससे तो उसका नाम पड़ गया जाकर नाम विदिशा तो उसकी वाइफ के कहने पे उन्होंने इस स्पोर्ट को सिलेक्शन किया और इसी सांची मॉन्यूमेंट अशोक के बच्चे महेंद्र और संगमित्रा एजुकेटेड पीपल का सप्लेन श्रीलंका में अशोक के बच्चों की समाधि बनी अनुराधापुरा में और बुद्ध का दांत रखा टूथ कैंडी में रखा श्रीलंका में बुद्ध का दांत तो 2012 में श्रीलंका के आए थे यहाँ पे राष्ट्रपति जिनका नाम था महेंद्र राजपक्षे एक सलामतपुर के पास बन रही है बौद्ध यूनिवर्सिटी तो पेड़ लगा थे ग्रीन हाउस में जिसमें एक चल लगी पुलिस गार्ड उस पेड़ पे 1.5 करोड़ रुपए खर्च हो चुका 1.5 करोड़ क्योंकि बौद्ध धर्म वाले सांची को मानते हैं चार धाम हर एक बुद्धिस्ट का एक ड्रीम होता सपना कि जीवन में अगर हम सांची विजिट करें मतलब भारत की विडम्बना है कि जो बौद्ध हमारे भारत से पनपा आज बौद्ध भारत में नहीं है साउथ एशिया में ज्यादा पॉपुलर भाई बुद्ध भी इंडिया के थे और अशोक भी इंडिया का लेकिन सांची मॉन्यूमेंट की खोज करने वाले एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था जन्नत टेलर 1818 में इसको किया रीडिस्कवर और बीच में चल रहा था हमारा 2018 अच्छा तो 200 साल पूरे कंप्लीट होने पे आरबीआई ने 200 के नोट कर दिया सांची का प्रिंट के क्या चुपके तो बना पीछे मतलब 2000 की हिस्ट्री को जनरल टेलर सिंह दी नेवर एस नोट रानी बाग बना पड़न को रात बन 1000 हो गए ओल्ड तो 100 पे दे दो चुपके लो 500 रेड फोर ने जवाब सुन दी तो कंप्लीट हुई कोमन नी के 2000 के नोट दी बन हो गए सेटल लॉन्च को मंगल के लो दी सांची की पार्ट बना हम्पी बना हुआ है 7 कलर का नोट उस 7 वाले रिटेल सेट नोटों पे दूसरा रीजन ये था कि बुद्ध और अशोक ने 200 साल का दोनों डिस्टेंस अशोक का संबंध बुद्ध से नहीं था अशोक का संबंध था बौद्ध जन से बुद्ध खत्म हुए 483 BC में उत्तर प्रदेश का गांव कसिया इसको आज हम बोलते कुशीनगर बुद्ध खत्म हुए तो वहां पे मल्ल के राजा कोलियों के राजा लिच्छी भी आजाद शत्रु लड़ने लगे तब सभी लोग कहने पे उनका स्तूप हो चुका था बंटवारा अशोक के आने से पहले स्तूप बन चुके थे 8 स्तूपा लेकिन बुद्ध ने कहा था कि मेरी पूजा होनी चाहिए विदाउट डैमेज एक प्रतीक रूप सिंबल ना कि मूर्ति के रूप में उनके पास जो था कटोरा भिक्षा पात्र उस भिक्षा पात्र को उठा कर दिया उन्होंने अपसाइड डाउन स्तूप बनना वहीं से स्टार्ट हुआ कटोरा सराउंडिंग जैसे महान लोगों का अस्थिर उस पर डोम बनाते हैं सांची एक टाइम की बहुत बड़ी की हुई बुद्ध यूनिवर्सिटी एक स्कूल था कम्युनिकेशन का सेंटर था लर्निंग सेंटर था कम्युनिकेशन का अच्छा एक बुद्ध साइट नहीं 5 बुद्ध साइट अच्छा सांची के बगल में 9 किलोमीटर 2 बुद्ध साइट सद्दारा सुनारी अच्छा विदिशा पास जाए तो मुरेल को अंधेर होशंगाबाद पान गोरिया तालपुरा सारू मारू तो सांची एक टाइम की बहुत बड़ी थी बिग यूनिवर्सिटी थी कम्युनिकेशन का तो आज हम लकी हैं कि हम लोग बड़े शांति प्रिय स्थान को आज देखने जा रहे हैं सांची बड़ा पीसफुल है ये इसका नाम पहले सांची को चैत्यगिरी बोर्ड श्री पर्वत काकनाथ बोर्ड श्री पर्वत कई नाम जाना जाता तो आज इसकी पहचान है सांची मतलब शांति पीसफुल तो सबसे पहले अशोका ने स्तूप को बनवाया था 3rd सेंचुरी BC मतलब 2300 साल पहले अच्छा
अशोका ने बुद्ध की राख को रख के पहले हाफ साइज में छोटा जितु बनवाया था टेरा कोटा का ब्रिक का स्तूप। अच्छा, तो अशोक वाला स्तूप अंदर था, इनसे ईटों का स्तूप था टेरा कोटा ब्रिक। अच्छा, लेकिन ईटों का स्तूप तो था, लेकिन मॉडर्न टाइम में रेलिंग काई की बनी थी वुडन, वुडन की रेलिंग बनी थी। बांस कम करते ना कट, हां जी हां जी, ये समझता बांस का डिजाइन। अच्छा, छोटी फिर अशोक के 100 साल बाद डायनेस्टी चेंज हुई। सुंग राजा सेकंड 100 BC में जिसका नाम आता अग्निमित्र, तो अग्निमित्र राजा ने उस बटन को हटा के ऊपर से गज को दुगना कर, मतलब ऊपर से लार्ज बिग साइज, लेकिन पैटर्न वही लिए बांस वाला पैटर्न, मतलब बटन की थी लेकिन स्टोन नहीं किया कन्वर्ट। सेकंड 100 BC में तीन आमने लोग पर बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ होता त्रिपिटक। अच्छा, तीन से मिलके बना सुत्त पिटक, विनयपट, अभिधम पट, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम को छत्रावली, हर्मिका, मेदी, भूवेदी, जितनी रेलिंग देख रहे हैं ऊपर नीचे 200 BC के देख रहे हैं आप लोग। लेकिन 200 BC के बाद बेटा 100 साल बाद एक और डायनेस्टी आ गई, 100 BC डायनेस्टी सतवाहना। वो सतवाहना डायनेस्टी में राजा थे आंध्र के किंग, जिनका नाम था गौतमी पुत्र सात करणी राजा, ने बताया चार गेट, चार दिशा, चार तोरण द्वार। अच्छा, कोई नहीं, चार गेटों की वजह से सांची मतलब वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा 1989 में, मतलब बिल्डिंग बनने में कितने साल लगे, 300 साल, तीन डायनेस्टी। बेटा हर राजा ने कुछ ना कुछ अपने एडिशन के इंक्लूड, भाई बुद्ध का टाइम तो 2500 साल पे, और 2500 में से 200 कर दो लेस, अशोक का टाइम हो जाएगा 2300। फिर सेकंड बीसी, फिर फर्स्ट बीसी, इस तरह से उसको बनने कितने साल लगे, 300 साल। लेकिन जब गेट बने थे 2100 साल पहले, बौद्ध धर्म हो गया था दो पार्ट में, दो पंथ, दो हीनयान महायान। आज भी हीनयान वाले बुद्धिस्ट बुद्ध की पूजा करते हैं विदाउट इमेज, गेटों पे बुद्ध का फोटो नहीं देखेगा ना सकल, ओनली सिंबल। बुद्ध को किया चार चीजें दिखाया, बुद्ध को रिप्रेजेंट, बोधि ट्री वो ज्ञान को करता है इंडिकेट, आम्ब्रेला राजा के ऊपर आता है, लोटस करता है प्योरिटी, और इस में दिखाता हूँ कि डेथ महापरिनिर्वाण। तो बुद्ध को देखा सिंबल ग्रुप में, देखा चेहरा नहीं देखेगा। अच्छा, ही नहीं अनका है कॉन्सेप्ट तोरण द्वारों पे। अच्छा, तो बुद्ध को देखा प्रतीक महान आ गए एडी में, तो चारों गेटों सामने बुद्ध का इमेज रखा था अंदर, वो गुप्त काल में रखा था 5 AD में, वो आ गए महायान। अच्छा, बुद्ध कौन से मुद्रा बैठे, पद्मासन मुद्रा बैठे, मेडिटेट, और पीछे वाले ओरा बोलते हैं ओरा, प्रवाह मंडल, आभा मंडल, जो नॉलेज को ज्ञान को करता है इंडिकेट। ये बगल में देखो खड़े एंजल्स, ये बगल में आपके गेट कीपर, कई इन्वेटर्स आए, कुछ स्मगलिंग हुई, लोग हिल लेकर सेल कर दिया लोगों ने, बेच दिया लोगों ने, जैसे अफगानिस्तान का बामियान में बुद्ध का तोड़ा गया था इमेज, ईस्टर्न वाला हेड बचा, देख मूर्ति रख दी। और ये बात चली हमारी ही नियान की, हम गेटों पर देखेंगे बुद्ध को सिंबल, आई थोड़ा गेट पे चलेंगे आई। अब जब बुद्ध का जन्म हुआ था तो बुद्ध के पाँव पे था, पैरों पे था पद्म चक्र, वो जिस इंसान के पैरों पे पद्म चक्र था वो ये जगह नहीं रुकता, वो चलता हमेशा कंटिन्यू, वो चलने वाला आदमी जीवन हमेशा होता सक्सेस। फिर बाद में अशोका ने क्या बनाया धर्म सिंबल, उसका नाम कहलाया था अशोक चक्र। जब देश आजाद हुआ था इंडिया गवर्नमेंट लिए उसको तिरंगे पे, तो बताते हैं बुद्ध की हाइट काफी अच्छी थी, उनके जो हाथ है ना हैंड, वो घुटने के नीचे तक के बोलते आज जान बाहु, मतलब फुल बॉडी दिखा दी उनकी, फुल बॉडी के रूप में दिखाना चाह रहा बुद्ध को। ये देखो फिर डब्लू बना ना ट्राइडेंट, टॉप देखे ट्राइडेंट, ये बुद्ध का हेड हो गया ट्राइडेंट हेड, ये लोटस बनाए उनका हार्ट हृदय, और ये माला उनके हाथ हो गए हैंड बाजू। इंसान की जब हाइट होगी लंबी तो उसके लंबे पैर भी होंगे, मतलब फुल बॉडी के रूप में दिखाया बुद्ध को। और हर माला के गार्लैंड्स मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट गार्लैंड्स, हम कह सकते हैं 100 BC में भी लोग आर्ट के बारे में, कला के बारे में, नेकलेस अच्छा नॉलेज से क्राइस्ट से पहले यदि बनाने वाला थोड़ा नेकलेस में 1 इंच कर दे तो सुंदर कार के, मतलब फुल बॉडी 100 BC की ड्राइंग है। देखो इधर टॉप पे ना ऊपर वाले कहां के लोग हैं, जो पैर मिक्स है ग्रीक लक्षेडो पे, ये कॉर्नर से देखो इस तो कर सेलिब्रेट करें, ग्रीक कैसे पे जाएंगे आप लोग, उनकी बालों पे टर्मन ते थोंगरे लॉन्ग बूट। और म्यूजिकल देखो इंस्ट्रूमेंट लिए बेजू नाम का, देखो हार्मी यूनिफॉर्म देख रहे हैं, स्कर्ट्स सम पर्सन, इसमें यंग लोग हैं, इसमें एजेड हैं, ये देख रहे हैं एजेड ओल्ड, ये सब ग्रीक ऑनर्स है। देखो सब लोग स्तूप को कह रहे हैं सेलिब्रेट, स्तूप मतलब बुद्ध, ट्री मतलब बुद्ध। एक वैशाली घटना बिहार की, एक मंकी ने किया बुद्धा को कटवे हनी ऑफरिंग, जब बुद्धा ने उसका किया हनी एक्सेप्ट, दूसरा मंकी उसमें डांस कर रहा है, उनकी मौसी गौतमी वाइफ यशोधरा, और वो लड़का राहुल भी आ रहा बच्चा दर्शन के लिए, ठीक है। ट्री को किया उसमें सिम्बलाइज ट्री फॉर बुद्धा,
बुद्धा को जब एलाइनमेंट हो जाता बोध गया में, तो फादर शुद्धोधन बुद्ध को नहीं उनके टीचिंग को करे नमस्कार। और अम्ब्रेला किस पे आता, रॉयल फैमिली पे ना अम्ब्रेला, और कई माले लेके आ जाए एंजल सारे। देखो गंधर्व, देखे आप लोग ये बुद्ध हैं, ये बगल में देखो कान दिखाए बुद्ध के, ये रिंग सिंबल दिखाए बुद्ध, ये वॉच मैंने गेट कीपर, मतलब एक द्वार पालने इतने ऑर्नामेंट्स है ना गार्लैंड, तो 100 BC डाइचे, मतलब संपन्न रिच लोगों नेकलेस के बारे में जानकारी क्राइस्ट से भी, तो कितना सुंदर कार है ये, तो निकल गई वाला पर्सन। अच्छा अच्छा, देखो ट्री मतलब बुद्ध को किया ना रिप्रेजेंट यहाँ पे बोधी ट्री। हाँ जी हाँ जी, बुद्ध है ना कपिल वस्तु में, देखो स्टूडेंट और लेक्चर दे रहे हैं, टीचिंग दे रहे हैं, तो कुछ लोग सुन रहे हैं ध्यान से, लेकिन लास्ट में जो बैठे पीछे वाले बातें भी कर रहे हैं बैक बेंचर्स, मतलब आर्ट दिखाना चाह रहा जो कंडीशन 100 BC में थी आज भी है, मतलब आदमी नेचर में चेंज नहीं आया है। सेकंड क्या था ऊपर, ग्रेट डिपार्चर, बुद्ध के प्रिय घोड़े का नाम था कंटक, रथ को चलाने वाले सेवक का नाम छन्ना। तो बुद्ध के फादर शुद्धोधन ने लड़के लिए बना रखा था महल, बना रखा था लेक्चरी, उनको रखा था कॉमन लैब, लड़के का ध्यान हटाने के लिए 16 ईयर्स में शादी कर दी, उनके वाइफ का नाम था यशोधरा, कुछ सारे ईयर्स बाद में घर में लड़का हुआ, लड़के का नाम था राहुल। प्रिंस सिद्धार्थ जब 29 एज में आउटसाइड निकले, तो चार साइड देखी, सिक मैन, डेड बॉडी, ओल्ड मैन, सफरिंग के साथ ही, उन्होंने बताया महाराज सबके साथ होना, तब उसने देखा संसार में दुख का कारण आदमी की इच्छाएं होती डिजायर, तो संसार में सफरिंग सोरो, उसको दुख को दूर करने किसी को आगे जाना पड़ेगा, तो प्रिंस का सीन देखा इसमें ग्रेट डिपार्चर। मतलब 100 BC में भी लोगों को मल्टी स्टोरी के बारे में, तो 3D के बारे में नॉलेज था, देखो बिल्डिंग को 3D में खेला कि पेंटिंग 3D, ऊपर क्या दिखाया अर्थ से दिखा दिया हेवन तक। जब उसका भी लाइन चेंजमेंट हो जाता तो बुद्ध अपने माँ को श्रावस्ती जाते हैं, संकीसा आगरा के बाद बना, फरुख का बाद बना, का बना संकीसा, उतर के आ रहे हैं, तो सभी महिला बच्चों का कर रहे हैं वेलकम, और ट्री को किया इसमें इंडिकेट, बुद्ध यहाँ पे बोधी ट्री। अच्छा अच्छा, उस एलिफेंट के ऊपर मैम, उस एलिफेंट को चार लेडीज एलिफेंट कर रही कंट्रोल, लेडीज चला रही महिला बेटी, लेडीज हैं एलिफेंट कर रही कंट्रोल, लेडीज से टीचर महिला दिख जाएंगी बगल बैठे चार जेंट्स, मतलब 100 BC में लेडीज और जेंट्स का इक्वालिटी, लेडीज को सम्मान का दर्जा था, और हर फील्ड महिला काम करती थी, चाहे पॉलिटिक्स हो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन एलिफेंट के अंदर रियल असली दांत थे, आईवी टक्स असली दांत थे, इसके अंदर लोग लेकर निकाल के लेके इन्वेटर, मतलब देखो आज देखना कौन पहले, ये देखो ना 100 BC में एक एलिफेंट की, मतलब सून को एक टर्न करना, एक जेल में मतलब पत्थर घुमाया, अलग अलग स्टाइल में सून को घुमाया, उसके बगल लेडी बनी, एक साल भंजी का बनी, यक्षिणी देखा यूथ क्रॉस पर लेडी यक्षिणी, तो लेडी देखा देखा गेट के सपोर्ट की लेडी बनी एक्चुअली। अच्छा अच्छा, लेकिन लेक को रीस्टोर किया बाद में इंग्लिश मैन, लेक टूट गए थे इसके चेरों बाद में जोड़ा था अंग्रेजों ने, हाँ इंग्लिश मैन जिनका नाम आता है प्रोफेसर थे सर जॉन मार्शल, उन्होंने बहुत काम किया सांची को। अच्छा अच्छा, इसमें सीन देखा है वो इंजॉयमेंट एंटरटेनमेंट, देखो पानी गिर रहा पहाड़ पे से नदी में आगे ज्वाइंट हो गया है, एक एलिफेंट तो बच्चा बैठा उसको हेल्प कर रहा है, इसी नहीं मतलब आर्ट दिखाना है कि इंसान बिना नेचर के नहीं रह सकता, इंसान के साथ नेचर का होना बहुत जरूरी है। अच्छा अच्छा, तो श्रावस्ती के राजा कौन है, प्रसेंजित राजा निकला है प्रसेंजित, तो सभी महिलाएं बालकनी कर रही, फुल ओपन कर रही है, देखो वो मल्टी स्टोरी में 3D में दिखाया पेंटिंग, ये देखो यहाँ क्लियर करें बच्चे का हेड मिसिंग हो गया है। इस श्रावस्ती के गाँव का नाम है जेतवन, बुद्ध है ना 8 महीने करते थे ट्रेवलिंग, अच्छा, तो 4 महीने रुकते थे बरसावास में चतुर्मास में, एक सेठ का नाम था अनाथ पिंड, बुद्धिस्ट हो गया था ये, तो राजा जीत के पास गया और जमीन लेने के लिए, जमीन के बदले तूने पूरे सोने के सिक्के बिछा दिए, इसको उठा के ले जाइए। उस सेठ ने 3 कुटी बनवाई थी बुद्ध के रहने के लिए, 3 रेसिडेंस, उस कुटी का नाम था गंद कुटी, मूलगंध कुटी और करोरी कुटी, सीन श्रावस्ती का जीत बन। और जब बुद्ध श्रावस्ती में आम के पेड़ की टीचिंग कर, आम मिर्कला मेंगो ट्री, पूरा पैनल इस श्रावस्ती को दिखाता आया है, पूरा 100 BC की पूरी ड्राइंग है। अच्छा, ये देखो ये इसके ब्राह्मी थी और लैंग्वेज कौन सी थी, पाली, लेकिन सबसे पहले पाली पढ़ने वाले इंग्लिश मैन थे जिनका नाम था जेम प्रिंसेप। अच्छा, 1837 में सबसे पहला शब्द पढ़ा था जेम, जैसे शब्द पढ़ा था जैसे दा इन नाउ डॉट दानम, जैसे आज भी कलकत्ता बना जैन प्रिंसेप घाट, जैसे नाम लिखा बा जी गुप्ता दानम, ऊपर नाम लिखा उस पे हना भिक्षुनी दानम, दानम सब में आता काम, नाउ डॉट दानम मीन्स होता है डोनेशन, कब दान किया लोगों ने 2nd century BC, मतलब एवरी स्टोन लोगों के डोनेट, सब पे नाम लिखे डोनर। अच्छा अच्छा अच्छा, उसके टाइम चली पाली भाषा निकाल के ले गए, यहाँ पे तो लेडी इसका लेक को रिस्टोर किया बात देख लाइन दिख रहा ना, हां जी हां, यूथ प्रोस्पेक्टिंग भी करते इंडिकेट साल भंजी का एक्चुअली बोलते हैं इसको, ये एक्चुअली ऊपर जो गोल गोल बना ना, हां जी ध्यान की भाई इंफिनिटी,
ध्यान की बोलते कोई भी डिग्री का ना मार्क्स रोल बना के देते हैं, लेकिन रोल खुलता पूरा इसमें पूरी कहानी स्टार्ट होती है, स्टार्ट हो रहा है एंड नहीं मिलेगा ना, कंटिन्यू दिखा इन्फिनिटी बोलते हैं, मतलब कंटिन्यू दिखा, देखा स्क्रोल बना हुआ स्क्रोल खुल रहा है और पूरी कहानी शुरू हो रही है, सब में स्टार्ट हो रहा है एंड नहीं मिलेगा आपको। तो यहाँ देखो ऊपर वाले टॉप पे ना चक्र बना दादा वो कम्प्लीट चक्र द टर्निंग ऑफ द व्हील टू ये आधा बचा है, बगल देखो गेट कीपर था एक गेट कीपर और मिसिंग हो गया, हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं इनकी खाद वन बॉडी टू फेस इनके इन साइड एंड आउट साइड। सेकंड वाले में कोई बोधी सत्य दिखाया सकते हो, कोई डेमन लोग हैं सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसी सेकंड में लेफ्ट में एक लेडी पेड़ के नीचे लेडी सुजाता है जिन्होंने बुद्ध को कोकोनट खीर खिलाया था, पेड़ के नीचे बगल में सुजाता जिन्होंने बुद्ध को खीर खिलाया था। लास्ट थिंग बुद्ध का ये डेमन किसने तोड़ा, लोकल इन्विटर्स, क्योंकि आए इन्विट 500 साल रहा ना जंगल में भाई, उस 500 साल कौन आया कौन का प्रमाण नहीं मिलता इसका, लेकिन हो सकता है कुछ लोकल लोगों ने तोड़ फोड़ की हो, क्योंकि क्या रहा था मूर्ति तोड़ देंगे इसको पूजा नहीं करेगा। गाड़ी कब आया था 5th century AD महायान, महायान वालों ने मूर्ति पूजा शुरू कर दी, एडी आया गुप्त काल, एडी आ गया, लेकिन अभी बीसी में थे उस टाइम मूर्ति पूजा नहीं थी, उस टाइम पूजा होती सिर्फ सिंबल प्रतीक, वही बुद्ध ने बोला था कि मेरी मूर्ति ने बना के मेरे रास्ते पे चले, मेरे विचारधाराओं पे चले आप टीचिंग को, बुद्ध को कौन मालूम था कि मेरे जाने बाद मेरी लोग मूर्ति बना के लोग पूजा करेंगे, ये देखो बुद्ध कौन से मतलब वही मेडिटेट और पीछे वाला ओरा खिलाता ना ओरा, फिर हम आभा मंडल जो नॉलेज को करता इंडिकेट एंजल्स हो गए, ये बगल तो गेट कीपर इन्हीं का हेड मिला इसको जोड़ा गया, बाकी सबसे हेड हो चुका है यहाँ मिसिंग। अब देखो यहाँ वाले बेटे ये जो एलिफेंट्स ऊपर दो एनिमल बैठे हैं सिटिंग, इसको क्या बोलते हैं आइबेक्स, आइबेक्स है याक जो पहाड़ पे मिलते हैं माउंटेन गोट, राइडिंग करें लेडीज जेंट्स बैठे हैं, आइबेक्स ऊपर क्या लोटस है, लोटस ऊपर जाओ क्या मिलेगा डबल हम केमिल जो हमको मिलते हैं मंगोलिया ललता मिलते लुब्रा बेली, और डबल हमको ऊपर स्तूप, और स्तूप देखो लोन की क्या लगा दी विंग्स पंख पेगा पंख लगा उड़ने वाले, देख रहे पंख लगा विंग्स उड़ने वाले पंख वाले का ग्रिपेन। अच्छा अच्छा थर्ड वाले लेयर में बहुत सारे तो हाथी ने स्तूप की कर रहे नीचे वाले पट्टी देख रहे हैं स्तूप कर रहा है नीचे वाले थर्ड थर्ड वाले एलिफेंट लोग स्तूप कर रहा वर्शिप। अब मिडिल वाले देखो आर्किटेक्ट में बुद्धा टीचिंग दे रहा है तो ऑल एनिमल इकट्ठा हो रहे टीचिंग के लिए, उसमें देखो अच्छा अच्छा एक ईगल बनाना देखा आपको ईगल ईगल बगल में फाइव हेडेड वाला कोबरा भी है जी। उसी कोबरा बगल में एक एनिमल ऐसा हेड ह्यूमन है बफेलो के हॉर ना दाढ़ी थोड़ी नाम था ना सेंटोर जो फिल्म थी आपकी हैरी पॉटर है ना हेड ह्यूमन, ये ग्रीन लेजर चमक रहा हो ये देखो ये बीच में ये सेकंड वाले पेड़ के राइट में एक बना ना एनिमल हेड ह्यूमन है और बफेलो का सींग दाढ़ी सेंट ग्रीक। ऊपर वाले में एक ट्री बना ना ऊपर 1 2 3 4 5 6 मतलब 7 इनकार्नेशन मतलब 7 बोधिसत्व बोधिसत्व कट दिखाए ऊपर वाला आर्किटेक्ट ने तो नहीं ना एक ट्री बना ना 1 2 3 4 5 6 लास्ट वन 7 ट्री मतलब भाई बोधिसत्व हाँ जी जब एलाइनमेंट हो जाता सब लोग क्या करें ट्री की पूजा करें ट्री को किया ना इसमें हाथ जोड़ कर ट्री की करें प्रेयर। सेकंड वाले देखो आर्किटेक्ट में एक लेडी लेटी हुई स्लीपिंग उनके सर पे मोर बना पिकॉक और पीरो बना एलिफेंट हाथी। अच्छा बुद्ध के जन्म से पहले बुद्ध की माँ महामाया को आया ड्रीम। अच्छा 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 एक एरावत हाथी आया सफेद उनके पलंग से थी उस टाइम लेडी प्रेग्नेंट थी गर्भवती लोगों ने बताया महाराज इस धरती पे एक महान व्यक्ति का जन्म होने वाला है वो किंग बनेगा या बहुत बनेगा होली मैन वो तो महल से के चले गए लेकिन यहाँ की महिलाओं का क्या चला आपस में डिस्कशन चला गपशपिंग। एक पेरेट है ना कुछ कान में आके बता रहा है जैन महिला के कान में बोल रहा है दूसरी महिला कान लगा रहा है कि ऊपर वाला क्या बात कर रहा है इनका चला डिस्कशन। लेकिन इंडियन कल्चर के साथ बताते हैं फर्स्ट डिलीवरी इन मदर पैलेस तो महामाया गोइंग टू होम क्योंकि बुद्ध की माँ रहने वाली थी नेपाल उनके मिस्टर है ना शुद्ध यूपी के थे कपिल वस्तु जिसको बोलते हैं शाक्य मुनि तो महामाई की नहीं पहुंचा आंधा हुए लुम्बिनी वन में 563 बीसी में बुद्ध का हो गया जन्म बुद्ध का जब बर्थ हो गया तो लोग क्या कर रहे हैं सेलिब्रेट कर रहे हैं लेकिन जन्म के 7 डेज बाद उनकी रियल मदर महामाई होंगी डाइट उनके सगी मौसी ने किया उनका एडोप और गौतमी से नाम हुआ आगे चल का नाम गौतम बुद्ध और बचपन नाम था सिद्धार्थ और सिद्धार्थ उसी नाम रखा जाता है जिसका जन्म होता है सिद्धि के लिए कुछ पाने के लिए उसका नाम रखा जाता है सिद्धार्थ। तो पूरे पैनल में इस जन्म को दिखाया आर्टिस्ट ने ये द्वारपाल गेट की सिक्योरिटी गार्ड तो सुंदर द्वारपाल के डेप ये बुध है ये कान है बगल में इयररिंग ये पूरी बॉडी दिखा दी देखो आप लोग कि किसी आर्टिस्ट ने किसी लोगों ने पेड़ को नहीं किया डिस्टर्ब
लेकिन इंसान को अलग डिस्टर्ब किया था, सबका हेट कान सबका टूटा, लेकिन पेड़ को नेचर के रूप में था ना, तो नेचर को छोड़ दिया उसने और इंसानों को तोड़ दिया उसने। पेड़ के रूप में थे ना बद, यदि पता पड़ जाता बद ये है तो ये भी टूट जाता। बीसी का बच्चा एडी के टूटा मूर्ति, एडी वाला टूटा है गुप्त काल वाला, बीसी का बच्चा द फॉर क्राइस्ट। ये देखो मैं टॉप डब्ल्यू बना ना ट्राइडेंट, दो ट्री को सेम बोधिसत्व को दिखा देखे, फर्स्ट वाला आर्किटेक्ट सेवन ट्री, पांच स्तूप दो ट्री बोधिसत्व को देखा, सेकंड वाले आर्किटेक्ट में उनका ग्रेट डिपर्ट महाबनिष्कर्मण प्रिंस सिद्धार्थ आधी रात को अपनी वाइफ यशोधरा को राहुल को छोड़कर निकल रहे थे, तो प्रिंस सिद्धार्थ ने सोचा कि महल से मेरा घोड़ा चलेगा तो उसके चलने के आवाज से उनका पति राहुल उठ जाएगा और वाइफ उठ जाकर महल से निकलने नहीं देगा, तो उनके सेवकों ने प्रिय घोड़े कंटक को अपने सोल्जर बैठा लिया, कंधे बैठा लिया था घोड़े को, उसका आवाज ना आया। ये दो सेकंड बाद आर्किटेक्ट ने यहाँ उठा लिया, फाइनली देखो घोड़े को उठा लिया सोल्जर, हाँ लेकिन अम्ब्रेला लगा है, अम्ब्रेला बुधे उस पर अम्ब्रेला, सब पे अम्ब्रेला है, लेकिन जो घोड़ा रिटर्न हो रहा है ना बेक उस पर अम्ब्रेला नहीं है, मतलब ऑलरेडी बुद्ध फॉरेस्ट गॉन। उनका देखो सारथी बुद्ध के तो पेड़ बने चरण पादी का, जब बुद्ध ने दे दी परमी सारी छन्ना अपने घोड़े कंटक ले जा रहा बेक, इसमें सीन दिखाया महाबनिष्क्रमण, बोधिजन बोलते हैं महाबनिष्क्रमण, वो खत्म बोलते हैं महापरिनिर्माण, ये स्टोरी है महाबनिष्क्रमण। थर्ड वाले को लेयर में एलिफेंट नीचे बैठा सिटिंग, बोधि वृक्ष को ड्रम लेके सम्राट अशोक वाइफ ने देवी अपने पुत्र महेंद्र अपनी पुत्री संगमित्रा को कहाँ लेके पहुंचे बोध गया, या बुद्ध को ज्ञान हुआ थे सब लोग ट्री के आ रहे हैं दर्शन के लिए, अशोक कहाँ गए थे बच्चों के लिए बोध गया, इसलिए लेफ्ट में कोई लॉन के क्या लगा दिए विंग्स पंख वाले पेगासस उड़ने वाले ऊपर चक्र में सारनाथ दिए बुद्धा ने, ये लेफ्ट वाला द विंग्स देखें कृपन पेगासस दिस दिस वन लेफ्ट साइड पिलर एंड देन द लाइन द विंग्स लाइन द ग्रीन लेजर द विंग्स लाइन द विंग्स द कृपन द पेगासस ग्रीक हाँ एक्चुअली द ग्रीक अशोक ग्रैंड फादर चंद मौर्य वाज मैरिड टू हेलेना द अलेक्जेंडर कमांडर सेल्यूकस निकेटर डॉटर अलेक्जेंडर कमांडर सेल्यूकस निकेटर अशोका स्टेम हेलेना आल्सो ग्रीक रिलेशन ग्रीक बट अलेक्जेंडर किंग फ्रॉम दैट टाइम फ्रॉम मैकेडोनिया मेसिडोनिया but written also Alexander died Babylon but Seleucus Nicator army chief then the relation Ashoka grand father marriage Ashoka is to Helena the Greek and this one Ashoka pillar was broken into pieces by local jamidar to be utilized sugar cane press to press the sugar cane actually Ashoka pillar height 42 feet and the top loin kept on the now museum but also a present local land sugar cane used this to I two broken part also collected this sir ye do two broken part rakhe oh top middle and then lower part but lower part asoka rules asoka discipline and bhed ko todne ki koshish karega usko yahan se nikal diya jayega matlab asoka rakhne ka maqsad yahan system aur niyam ka palan karana ek asoka aapka sanchi mein hai second asoka sarnath sarnath banaras aur third kosa Allahabad लेकिन नोटों के लिए हमारी करेंसी पे वो सारनाथ वाले के लिए ना कि सांची वाले को, जिसकी हाइट थी 42 फीट सिंगल था मोनोलिथिक, टॉप वाला कैपिटल है ऊपर वो नाउ म्यूजियम रखा संग्रहालय नीचे ना टिकट लेके आप नीचे से सिंगल था। ये देखो ये सांची के अलावा सांची में देख रहे हैं एक ऊपर ग्रीक कॉलम जैसे आपने एथेंस कोलिजियम एंड देन पार्थलोन सेम ओलंपिक गेम आल्सो same Greek style but that time later then meditation hall the prior the chaitra isko bolte hain prior hall lag dhyan karte the same Greek style mein the wooden roof tha wo nasht ho gaya 7 AD manmaya king harshvardhan harshvardhan raja tha thanesvar delhi ke paas lekin raja harshvardhan ne kannauj ko bana li thi apni rajdhani to usko kya bolte hain chaityale meri prior hall same Greek style aise bande gupta kal ka pehla mandir 5 AD पहला मंदिर है ना 5 AD का पूरा फ्लैट रूफ है कोई शिखर नहीं है नो गोपुरम फोर पिलर बने चारों में फोर पिलर इनवर्टेड लोटस है फोर पिलर इनवर्टेड लोटस है और लोयन मंत्र ऊपर है कि वन लोयन का वन हेड टू बॉडी बट डू ना नो इमेज इनसाइड बट सेम टेम्पल इसी टेम्पल को देख के खजुराहो ग्वालियर जाते हैं हम्पी में जाते हैं साउथ में नागर दरबार बेसर हमको टेम्पल मिलते गोपुरम
गोपुर शिखर वाले, जैसे आपने सुना मधुरई मीना के तमिलनाडु वो शिखर वाले, तो समय के साथ लोगों ने मंदिर का स्ट्रक्चर भी चेंज किया। तो पहला मंदिर है 5th century गुप्ता टेम्पल, टेम्पल नंबर 17 कहलाता है, लेकिन सबसे पुराना टेम्पल मिलता कानपुर में, वो भीतर गाँव, वो टेरा कोटा का मंदिर मिलता हमको, ईटों का मिलता मंदिर, वो एडी का 4 AD, ये 5 AD का पहला मंदिर है गुप्ता ज्ञान। लेकिन कुछ लोगों ने सोचा ट्रेजर ने इसमें गोल्ड होगा, खजाना हो इनसाइड, लोगों ने जब उसको एनालिसिस किया गया तो पुरानी चीजें बेलपत्र वाला, दाल चूना मेथी भिंडी फ्रूट लाइम मोटर सब उसको किया मिला के इसको फिर जोड़ा गया, जितने इसको बने ना ये सब उनके फॉलोवर्स के डिसाइपल, वो छोटे छोटे उनके छोटे छोटे स्मॉल साइज स्मॉल मंक, दिस वन बिग स्तूपा इज बिग प्रिंसिपल स्तूपा द लार्जेस्ट बुद्धा, बुद्धा को अब टॉप पर रखोगे ऊंचाई पे लार्जेस्ट हाइट, बाकी स्मॉल स्तूपा स्मॉल साइज, ये मेन गेट था गिर चुका था ना पूरा जोड़ा के प्ले है ना विदाउट कार्व। कार बोल रही थे राजा की आता रोल प्रोसेशन है, इस चक्कर में टर्निंग आपका व्हील को बुद्धा ने दिया था पहला ले सारनाथ में, सारनाथ मसीह ने सारंगपुर बोलते ना इसको सारंगपुर, दोनों साइड डियर पार्क लोन पावर को करता है इंडिकेट, का अशोका सम्राट फैला था चार मतलब कर्नाटक का फैला था गांधार, गांधार इंडिया का पार्ट था, आज बोलते अफगानिस्तान में चलेगी पूरे 16-16 स्टेट में था हमारे इंडिया 16-16 महाजनपद, लोन पावर को करता इंडिकेट। लास्ट में म्यूजिकल पार्क देखा लंबा था नादेश्वरम, भाई गेट बनाने वाले साउथ के राजा थे, आज साउथ में फेस्टिवल होता है सेरेमनी, तो साउथ में एक लंबा सा पाइप जैसा बजाते हैं नादेश्वरम, तुरतुरी म्यूजिकल पाइप देखो नादेश्वरम के बजाय बेलगम सीन। सेकंड देखो ये रामाग्राम का स्तूप बना हुआ कुशीनगर में, अशोक गए थे 8 स्तूप ओपन करने के लिए रामाग्राम को, नॉट ओपन ओपन नहीं कर पाए थे क्योंकि उसको नागा किंग ने ले ली था अपने अंडर प्रोटेक्शन में, तो देखो अशोक ने अपना सर झुका दे सर झुका रहे हैं, स्तूप कहाँ का रामाग्राम, ये अशोक नहीं खोल पाए थे नॉट अनेबल ओपन, लेफ्ट साइड नागा किंग प्रोटेक्ट, टॉप द बुद्ध की माँ खड़ी माया देवी जन्म को करता इंडी के लेडी हेड सेंटर पे, तो पूरा मेन गेट साउथ ही था क्योंकि साउथ में स्टेयर वो पता 3 अम्ब्रेला है, टॉप छत्रावली बगल में चौक हरमी का, ये गोल्ड टॉप हो गया एंड ये मेदी हो गया भूपेदी का, ये ऊपर टॉप छत्रावली हरमी का 2 ये डोम 3 ये 4 नीचे 5 5 एलिमेंट्स पंचतंत्र बॉडी उठाना सबको है, लेकिन चाइना वालों ने उसका नाम दिया लाखिंग बुद्धा, तो चाइना ने अपने नाम से पूरे मार्केट कर दी बिजनेस, लेकिन लाखिंग बुद्धा को घर में रखने से कुछ नहीं होता है, जब तक इंसान मेहनत और वर्क नहीं करेगा तो बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला है, अपना और नाम हो रहा है चाइना का नाम, तो चाइना वाला लाखिंग बुद्धा करती है कोर लेते इसको यक्ष बोलते हैं कीचक इसको क्या बोलते हैं भार बहाग मतलब ऑल होल्डिंग गेट सपोर्टेड पूरा बन उठा रहा संसार का, सबके चेहरे पे इंप्रेशन अलग अलग है स्माइल क्राइंग गार्लैंड सबके अलग अलग हैं, तो ऑल होल्डिंग गेट सपोर्टेड पूरा बन उठा रहे हैं, तो चाइना लाखिंग बुद्धा करती है इसको कोर लेटेड, इसको हम क्या बोलते हैं यक्ष कीचक इसको बोलते हैं भार बहाग पूरा वजन उठा रहे हैं। देखो इसी लास्ट वाले पेन देखो बहुत सारे हाथी है ना एलिफेंट ट्री की करें प्रेयर प्रेयर करें, लेकिन हाथी ये सब के 6 दांत हैंगे, ये 6 दांत बड़ा हाथी सेकंड बिग थर्ड नंबर का ना, ऊपर से सेकंड नीचे से थर्ड, इसके 6 दांत दिख रहे हैं, देख रहे हैं बड़ा हाथी जिसके बुद्ध की माँ बेटी मेरा बत, ऊपर से चक्र में टर्निंग ऑफ द व्हील बुद्धा ने दिया था पहला वो लेचे सारनाथ, दोनों साइड डियर पार्क और टॉप पे बोधिसत्व, 3 स्तूप बने हुए हैं 4 बोधिटी सेम अगेन बोधिसत्व को किया है इसमें डिपिक्शन, और लेफ्ट में कुछ विंग्स है पंख वाले उड़ने वाले लॉइन राइट में पंख वाले विंग्स, ऊपर चक्र में टर्निंग ऑफ द व्हील टूट गया है, ये पूरा गेट गिर चुका है, इसमें एक सिंगल थोड़ा यहाँ देखेंगे कमरे बने रूम बने 22 रूम्स थे और करीब 14 फीट वुडन प्लेट था और टोटल ग्रास का 1936 में किया गया इसको रीडिस्कवर, ये पूरा सेडिमेंट में था डिपॉजिट और सेडिमेंट निकला सम चारकोल, तो कोल को लखनऊ भेजा गया था बीरबल साइन इंस्टीट्यूट और C-14 हो गए क्लियर की 3rd century BC का अशोका बिल्ड, इसी मोनेस्ट्री था अशोक के बच्चे महेंद्र और संगमित्र यहाँ हुए एजुकेटेड, पूरे पीपल का सपने लेके श्रीलंका गए थे यहाँ से, तो श्रीलंका में अशोक के बच्चों की समाधि बनी अनुराधापुरा में, अब बुद्ध का दांत रखा कैंडी में, तो बोलते हैं भारत से श्रीलंका हमारे बहुत पुराने रहे संबंध, पूरे श्रीलंका के राजा उसने महेंद्र तेसा ने महेंद्र को बुलाया था कि आप जाइए बच्चों को दीक्षा लेने, फिर महेंद्र को भेजा फिर लड़कियों वाली फिर संगमित्र को बुलाया गया, तो आज भी श्रीलंका में समाधि बनी अनुराधापुरा में। ये देखो रेनिंग वाटर हार्वेस्टिंग बनाने वाली पूरा स्टोन यहाँ से कट किया जो स्टोन निकला सुनिए उसका लिया मतलब टैंक भी बन गया विद स्टोन भी हो गया, और इसी मोनेस्ट्री के देखो जस्ट पीछे बिहाइंड एक ग्रेट बॉल रखा दान पात्र रखा एंड में रखा पीछे इस रेलिंग दिख रही होगी आपको पेड़ उसके पेड़ पर गोल कट हो रहा है, जो भी व्यापारी थे ना मर्चेंट जितने इसमें लोग सभी मनी फ्रूट करते ऑफरिंग जो स्टूडेंट लोग बांट लेता है ये देख रहा है ये पीछे रखा देखा मैम वो देखो हाँ ये गोल गोल कर
डिसाइपल दे स्टूडेंट जिनका नाम आता सारी पुत्र और महामोगलियान कनिंगम तीन नंबर से उनकी डिसाइपल की अस्थियां निकाल के बोन पीस निकाल कहाँ ले गए लंदन लंदन में अस्थियां आपके अल्बर्ट म्यूजियम में विक्टोर म्यूजियम में जब देश हुआ हमारा फ्रीडम तो इंडिया का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो बनाए गए चीफ गेस्ट नेहरू जी अस्थियां लंदन से लेके आए वापस रिटर्न 30 नवंबर 1952 बिल्डिंग बनी बिहार वो मंदिर बना बाहर उस बिल्डिंग को ओपन करवाई नेहरू जी ने जिस दिन नेहरू जी आए थे सांची में नवंबर का लास्ट संडे तो हर साल नवंबर के लास्ट संडे को यहाँ एक होता है सांची महोत्सव उस महोत्सव में जो रखी अस्थियाँ बेसमेंट में वो करती हैं अस्थियाँ अंदर से डिस्प्ले एक एनिवर्सरी होती है पब्लिक होती है 50,000-40,000 करीब ऊपर वो टिकट उस दिन आपको रहता सांची में फ्री लेकिन बिल्डिंग का पूरा प्रॉपर्टी करती श्रीलंका गवर्नमेंट महाबोधि सोसाइटी तो बिहार की चाबी स्वामी जी के पास कोलकाता में भी है महाबोधि सोसाइटी तो अस्थियां निकल के तीन नंबर से उस मंदिर में कर दी गई सिर्फ तो अस्थियां बुद्ध के नहीं है उनके डिसाइपल की जिनका नाम आता है सारीपुत्र महामोगलयान तो कंफर्म होगी कि अस्थियां यहाँ निकल के उसमें रखी गई शिफ्ट की गई है तो पूरी बाउंड्री घिरी हुई है पीछे मंदिर बने हुए 780 बुद्धिस्ट टेम्पल के 40 रूइंस पड़े मंदिर वहाँ 30 बने तो सांची की जो हिस्ट्री मतलब हर राजा ने कुछ ना कुछ अपने एडिशन किया इंक्लूड तो पहले डायनेस्टी स्टार्ट हुई मौर्या फिर सुंग फिर सतवाहना फिर गुप्ता प्रतिहार प्रतमार प्रति इस तरह से 3rd BC से लेके 12th century AD तक का एविडेंस 15 साल का इतिहास अब 12 AD से लेके 1818 500 साल रहा मौन रहा जंगल में था हमारा फॉरेस्ट में वो हमारा था मुगल पीरियड उसी में मॉन्यूमेंट ही बच गया।